देहरादून में पूर्व राज्य मंत्री मैडम रजनी रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दो दिन पहले रितु के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कि वुमन सिक्योरिटी संस्था के अध्यक्ष सरिता गौर द्वारा रजनी रावत पर आरोप लगाए गए थे, जिसका जवाब मैडम रजनी रावत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। उन्होंने बताया कि वो सभी आरोप झूठे हैं जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर लगाए गए थे। पत्रकार वार्ता में मीना हाजी, किन्नर राधा, हेमा बोरा, प्रमिला रावत, सावित्री उनियाल, नजमा बेगम समेत कई किन्नर उपस्थित रहे। देखिए, सरयान तो बातें में ही नहीं मानती हूँ। एक वो इंजो चलाती महिला, एक इंजो चलाने के कारण सिर की उनकी गलती ये हो गई है कि एक तरफा उन्होंने सुनी, मेरी बातें नहीं सुनी। पर एक महिला होके ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उनको पूछ के मुझे भी पूछना चाहिए था। वो एक संस्था चलाती हैं, दया भारत सोसाइटी संस्था के अध्यक्ष से मैं भी हूँ, तो ये एक वो भी एनजीओ चलाती हैं, तो उनको एक पूछना चाहिए था। रजनी रावत को कौन नहीं जानता, रजनी रावत को थोड़ा सा ये पूछना चाहिए था कि सीलू हर मेरे पास में आ रखे कि मैडम जी आपके खिलाफ ये बात कैसी है, तो उनको दो बातें मैं उनसे भी करती। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट।